हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट। और कई लोगों का बहुत कंफ्यूज रहते हैं जो एडमिशन लेने आते हैं या कोर्स करते हैं। कई लोग जैसे कि एमपी से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, श्रीनगर से हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से बंदे आते हैं, बिहार से ऑल टू। तो वो उनके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि हम दिल्ली ही कोर्स क्यों करें और एक्सपर्ट में ही क्यों करें। तो सबसे पहले तो होता है कि जो मेन हेड ऑफिस होते हैं वो सब मोस्टली दिल्ली में हमारा, और बाकी सब फ्रेंचाइजी होते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि दिल्ली आईटी का हब है। जैसे कि आपने नेहरू प्लेस का नाम सुना होगा, ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है जिसमें हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स, चाहे लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड, चाहे आईसी हो, चाहे कोई आपका बैटरी हो, चाहे मॉसफेट हो, कुछ भी कंपोनेंट सारे अवेलेबल होते हैं। तो एक तो हमारा वो रीज़न होता है कि हमको मार्केट का पता चल जाए, कल के दिन आपको कोई नहीं मिल रहा है वो होगा। और जो ट्रेनिंग्स होती है वो एडवांस लेवल की होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आती है वो दिल्ली के अंदर ही आती है और फिर इसके बाद वहाँ पर जाती है। तो आप वहाँ से अपने नियर बाई करते हैं तो वो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट बोर्ड आते रहते हैं, हर जगह से बोर्ड रिपेयरिंग के लिए आते हैं। तो उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है, लेटेस्ट से लेटेस्ट बोर्ड की यूज होता है। क्योंकि यदि आप बिहार से कर रहे हैं या आप एमपी से कर रहे हैं या यूपी से कर रहे हैं तो इतनी फैसिलिटी वो नहीं मिलती। जैसे कि मशीनों का यूज, यहाँ पर मशीन वो मिल भी जाएगी आपको, उसका यूज करना भी बताया जाएगा। जैसे कि आपका डीएसओ मशीन, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है, और डीसी सप्लाई, डीसी पिन, मल्टीमीटर्स, बीजीए मशीन, ये आपकी लैपटॉप की मशीन है। यदि हम एलईडी टीवी की बात करें तो बॉन्डिंग मशीन है ना, लेजर मशीन, और मोबाइल की बात करें तो सेपरेटर मशीन, ओसीए मशीन, बहुत तरह की मशीनों का यूज है। टूल्स वगैरह, जैसे कि आपका प्रोग्रामर है, यहाँ पर आपको लैपटॉप के लेटेस्ट प्रोग्रामर भी मिल सकते हैं, चाहे वो SVOD 3 हो, SVOD 4 हो, चाहे RT 809H हो, चाहे Init का हो, कोई सा भी प्रोग्राम हो, सब अवेलेबल होते हैं। लेकिन ऐसे ये चीज़ें आपको इंटीरियर क्षेत्र, जैसे चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे पटना ही क्यों ना हो, एमपी में भोपाल ही क्यों ना हो, यूपी में इलाहाबाद ही क्यों ना हो, मतलब कहीं पे चंडीगढ़ हो, तो ये फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। राजस्थान में जयपुर हो गया, जो आप राइसर प्लाजा का नाम सुना होगा, लेकिन वो उतनी टेक्नोलॉजी वहाँ पर नहीं है। इसीलिए सब लोग क्या करते हैं, दिल्ली के लिए ही रिकमेंड करते हैं। तो हमारा क्या रीज़न था, एक तो हमको टेक्नोलॉजी अपग्रेड मिल जाता है, दूसरा टूल्स का, तीसरा हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बोर्ड यहाँ पर आते रहते हैं रिपेयरिंग के लिए दिल्ली। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आती है उसके लिए भी हो जाता है, लेटेस्ट टूल्स अवेलेबल होते हैं और कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, यानी आपको जो भी कंपोनेंट ख़राब है वो। इसीलिए सब लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं दिल्ली। यदि आप कहीं बाहर ट्रेनिंग लो, एक बार दिल्ली ट्रेनिंग ले के देखो, तो आपको डिफरेंस दोनों में पता चल जाएगा। तो थैंक यू।